आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित गोरखपुर में कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित हुए। मैं सर्वप्रथम सभी प्रदेश और देश के शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस की अपने हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सब लोगों ने अपने अपने विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जितने भी हमारे शिक्षक हैं, आज बेसिक शिक्षा विभाग से 41 और माध्यमिक शिक्षा विभाग से 13 शिक्षकों को हम सब लोगों ने सम्मानित किया है। इन सभी शिक्षकों ने कुछ बढ़ चढ़ करके अलग प्रयास किया, जिन्होंने अपने विद्यालयों को और विद्यालयों से अलग और बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए अपनी ओर से अलग प्रयास किए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम में से हर एक शिक्षक को कुछ नया करने का, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और ये प्रयास हमारे देश को, हमारे प्रदेश को एक नई दिशा देने में बहुत ही बड़ा सहायक साबित होगा। एक बार पुनः मैं सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री हर जनपद से एक शिक्षक को पुरस्कार देने का आया, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को जो सभी शिक्षक हमारे इस पे खड़े उतरते हैं उन सब लोगों को चयनित किया जाता है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर एक शिक्षक को प्रेरित करें कि सारे जनपदों में से हम शिक्षक को चयनित करके और यहाँ पे सम्मानित कर सकें। जो पुरस्कार दिया गया, क्या बोलेंगे इस बारे में? आज बेसिक शिक्षा विभाग से 41 और माध्यमिक शिक्षा से 13 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य पुरस्कार आदरणीय सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पर सम्मानित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, और हर जनपद से एक शिक्षक को मिलना चाहिए और डायट से भी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का यह मानना है कि प्रत्येक जनपद से एक उत्कृष्ट शिक्षक को दिया जाना चाहिए, परंतु ऐसे उत्कृष्ट शिक्षक जो इसके लिए योग्य और सारी आर्ताएं पूरा करते हैं उनको देने में विभाग कभी भी पीछे नहीं रहा है और नहीं रहेगा। ठीक।